कंट्री जितने भी गल्फ कंट्री है, अभी सऊदी अरेबिया और ईरान ने पाकिस्तान से ये कहा है कि आप हमें ट्रक भर भर के जो आप भिखारी भेज रहे हो पाकिस्तान से, तो वो भेजना बंद करें। तो यहाँ से हमारे यहाँ पर कोई भी जाता है तो वहाँ पर जाकर विजिट वीज़े पर जाकर भीख मांगना शुरू कर देता है। तो क्या कहना चाहेंगे, हिंदुस्तान दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है इस टाइम, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? मैं तो कहूँगा ये गलत बात है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो क्या हम इतने कमज़ोर हो गए? ऐसा तो पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है। तो अगर हम वीज़ा लगवा के जाएँ वहाँ पर भीख मांगने तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। ये तो एक बात बताएं, दुनिया में इस टाइम किस मुल्क किस कौम की ज़्यादा इज्जत हो रही है इस टाइम, हमारी या फिर हिंदुस्तान की? सर मैं तो यही कहूँगा ना कि होनी तो मुसलमान की इज्जत चाहिए। अच्छा जी, वहाँ पर मुसलमान हमसे ज़्यादा है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि ना कि मुसलमान की इज्जत होनी चाहिए, पर कुछ मुसलमान ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों का नाम बदनाम कर रहे हैं वहाँ पे जाके। मौजूदा टाइम के अंदर की बात कर रहा हूँ, अभी के जो सिचुएशन है इसके बरक्स अगर आप देखेंगे किस कौम की ज़्यादा इज्जत है, हमारी या फिर हिंदुस्तान की? पर देखा जाए तो ज़्यादा उनकी इज्जत है, क्योंकि ये तो आपको भी पता हमें भी पता है, पर मुसलमानों को ऐसे लोगों ने बदनाम कर दिया हुआ है जो भीख मांगते जा रहे हैं। हाँ बस यही बात है, हर जगह पे यही काम हो रहा है, भीख मांगने वाला सस्ता काम हो गया। तो हिंदुस्तान कहता पाकिस्तान मेरे आगे टिक ही नहीं पाएगा, जिस तरह के उसके पास फॉरेन रिजर्व 600 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व है उसके पास, अगर बात करो 5 ट्रिलियन डॉलर्स की उनकी GDP है, वो कहता पाकिस्तान मेरे आगे टिक ही नहीं पाएगा, पाकिस्तान को मैं चुटकियों बजाते उड़ा दूंगा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इंशाल्लाह मुसलमान ताकतवर है और ताकतवर ही रहेगा। अच्छा किस बात से ताकतवर है, कैसे ताकतवर? बस अल्लाह पाक की इनके अल्लाह पाक की ताकत है इनके साथ, मुसलमानों के साथ। अच्छा किधर है वो ताकत, नज़र नहीं आ रही है? ताकत है ना यार, आप देखोगे इंशाल्लाह ताकत है हमारे पास, ऐसी कोई बात नहीं है, सारे मुसलमान एक जैसे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, बस बीच में थोड़े से हैं, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से सब ताकतवर है हमारा मुल्क। बात बताएं, अगर हम इतने ताकतवर होते तो बाहर हमारे मुल्क से लोग उठ उठ कर जाकर क्या भीख मांगते? बस ऐसा ही है ना, फिर कुछ लोग ऐसा ही काम करते हैं, क्या करें। मौलवी साहब एक मिनट आइएगा आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह करे। नाम आपका? मोहम्मद नईम अशरफ। देना कैमरे की तरफ देना। मोहम्मद नईम अशरफ। क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, काम करने का था ते काम है ही नहीं है, कोई काम नहीं है। सर एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान से यहाँ पर अभी सऊदी अरेबिया ने कहा कि जो भी पाकिस्तानी वीज़ा लगवा कर सऊदी अरेबिया आते हैं, ईरान ने कहा कि जो भी मतलब के बॉर्डर के ज़रिए पाकिस्तानी आ रहे हैं ट्रक भर भर के यहाँ पे आके भीख मांगते हैं, भिखारी हैं, तो सऊदी अरेबिया जैसे हरम के अंदर जो खाना काबा है वहाँ पर सबसे ज़्यादा भिखारी जो है वो पाकिस्तानी हैं, और जेलें भर दी गई हैं पाकिस्तानियों से, लेकिन ख़त्म ही नहीं हो रहे, इतने ज़्यादा हैं जो कि बाहर जाकर भीख मांग रहे हैं, तो क्या इन सारी सिचुएशन के अंदर हम हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं? मुकाबला करना चाहिए, पर मुसलमानों में उर्दू नहीं आती। उर्दू नहीं आती? नहीं आती। चलो पंजाबी में बता दो। अपन के करना चाहिए काम, हिम्मत आनी नहीं चाहिए। सही होगा, मैं आगे जाऊंगा किसी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट आइएगा जरा, इधर आइएगा। स्टूडेंट है आप? हाँ जी। बात तो सुनो यार, मैं कुछ और तो कहने नहीं लगा, क्या करते हो? मैंने ये स्टडी कंप्लीट की है और साथ में ना मैंने फार्मासिस्ट हूँ। माशाल्लाह। तो अभी एक मेरा ये है कि पाकिस्तानी यहाँ से जो विजिट वीज़े के लिए जाते हैं, जो उमरा करने के लिए, ज़्यादातर जो सऊदी अरेबिया जाते हैं, ईरान जो जाते हैं, ईरान से भी जाते हैं, यहाँ से लोग ईरान भी जाते हैं, तो ईरान और सऊदी अरेबिया ने कहा कि पाकिस्तानी जो भी बाहर आते हैं यहाँ पर आकर भीख मांगते हैं, हरम के अंदर सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी भिखारी हैं, पाकिस्तानी उनको उठा उठा कर जेलें भर दी गई हैं, 100% लोगों में से 90% पाकिस्तानी लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो मैंने कल ना वैसे जो है ना आज सुबह के छपा नहीं है कि कल की बात है, ये वाले मैंने ना वीडियो देखी थी, बरल जो यहाँ से 4-5 लाख रुपए जाके उधर जाके भीख मांग रहे हैं, वो आप इधर ही मांग लो, इससे अच्छा है इतना बड़ा पुल है तो आप ना इधर ही मांग लो, वो उससे अच्छा है। क्योंकि देखिए एक नारा जो कि बहुत ज़्यादा जो मशहूर हो रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के बजाय लोग अब पाकिस्तान से जिंदाबाग वाले नारे लगा रहे हैं। देखिए ये तो फिर हमारी गलती है ना, सीधी सी बात, हम किसी को इसमें ना ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ही लोग इधर से उधर जाकर जो मांग रहे हैं, ये देखे ना ये हमारे ही लोग हैं ना, कोई और तो नहीं ना है, तो फिर हमारी ही यानी कि इसमें ना समझ लगे एक मिस्टेक ये हमारी है, और कुछ हमारी माशाल्लाह गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी चल रही है। मुझे एक बात बताएं, इन सारी सिचुएशन के अंदर जहां पर हमारे लोग जाके भीख मांग रहे हैं, जहां पर हमारे क्राइसिस हैं,
क्या हम हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो तो आप बात छोड़ देना, हिंदुस्तान तो बहुत आगे चला गया अब हमसे, ये तो आप बात भूल ही जाएँ कि हिंदुस्तान के साथ हमारा कोई मुकाबला है। हकीकत है ये, चाहे उधर यानी कि नॉन मुस्लिम की हुकूमत है, लेकिन पाकिस्तान से बहुत हद यानी कि इससे ना वो समझ लग के उनकी एक स्ट्रगल जो है ना उनको बहुत आगे ले गई है। ये हम इस बात से एग्री भी होते हैं, मानते भी, और आप भी मानते हैं इस बात को कि यार पाकिस्तान से वाकई वो बहुत आगे चला गया। मैं बाजूकात ये देखता हूँ कि जो आईफोन नहीं है वो 40 से 42 हज़ार का वहाँ मिल रहा है, और यहाँ पर हमारे में जो 5 से 6 लाख का मिल रहा है। आप खुद बताएं कि हमारा मुकाबला उनके साथ है, एक भी नहीं है, दो भी नहीं है, 3 से 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। आप खुद इस बात अंदाज़ा लगा लें कि वो हमसे कितना आगे चला गया। उनसे अगर उनकी एक हमने वो देखी थी वीडियो, शायद आपने भी देखी हो, कि जो उन्होंने अपनी ओडी चलाई है, ठीक है ना, मर्सिडीज़, अब उसका देख ले कि हमारे पाकिस्तान में क्या है, टोयोटा जो इधर की है, आल्टो देख ले हमारे पाकिस्तान में कितने के यहाँ पर, 32 लाख के उधर फॉर्च्यूनर आ जाते वहाँ, ये आपकी बात बिल्कुल राइट है, वहाँ पे फॉर्च्यूनर आ जाते हैं, वो यहाँ से ना 32 लाख के वो आल्टो आती है जो अगर किसी के साथ लग जाए समझ ले कि आल्टो गई। आप मुझे बात बताएं कि जहाँ पर हमें अपने मुल्क को अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहिए वहाँ पर हम जाकर भीख मांग रहे हैं। देखिए मुल्क का नाम जो रोशन है वो तो समझ ले कि जो हमारे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके अंदर बहुत यानी कि टैलेंट है, ये तो मैं बात करता हूँ, लेकिन उनको पाकिस्तान से रिस्पॉन्स जीरो है। ये लास्ट टाइम आपने भी एक देखा होगा कि एक यानी कि 12 से 13 साल की लड़की ने एक ना चश्मा ईजाद किया था, वो उसने बनाया था कि जिसको नींद आती है ना वो उसको नींद नहीं आएगी, यानी कि जो यानी कि ड्यूरिंग जो उसकी यानी कि ड्राइविंग होगी ना तो उसको नींद नहीं आएगी। वो उन्होंने उसने एक ना चश्मा बनाया था, और जिस दिन ये वीडियो वायरल हुई है ना उससे नेक्स्ट डे ही उसको अमेरिका वाले ले गए हैं। तो आप खुद इस बात से अंदाज़ा लगा लो कि हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की तो वो यानी कि जीरो, उसको तो कोई भी नहीं पहचानता है। अगर मेरे अंदर कुछ होगा तो मुझे तो वो दिखाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कोई भी नहीं देखेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत इसलिए इस लिहाज से अच्छा है, चाहे वो हमारी वो जिस तरह की भी कंट्री है, हमने उनके साथ वो दुश्मनी रखी हुई है वो एक अलग बात है, वो होनी भी चाहिए, क्योंकि वो जिस लिहाज से हमारे साथ यानी कि जो हमारे मुस्लिम को तंग करते हैं, अगर इसके मुकाबले में ना वो रिलीफ भी बहुत देते हैं वहाँ पर, चाहे मुझे तो जो सिनेरियो चल रहे हैं इसके बरक्स अगर हम उनको देखें तो रिलीफ और ईजी ज़िंदगी किनकी ज़्यादा होगी, उनकी या हमारी? ऑब्वियसली उनकी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर है नहीं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि पिछले 2 महीनों से कितने बिल आ रहे हैं। अंकल ये कह रहे हैं कि जो मुसलमान हैं मौजूदा जो सूरत हाल है पाकिस्तान से ज़्यादा खुश हिंदुस्तान में है, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं, इस बात को मानते हैं? नहीं मानते। नहीं मानते सर। अभी जो सिनेरियो चल रहे हैं, अभी आपने इधर ही रहना, सऊदी अरेबिया के अंदर मुसलमान पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं जाके भीख मांगते हैं, सऊदी अरेबिया की जेलें भर दी गई हैं पाकिस्तानियों से, क्या कहना चाहेंगे? कभी इंडिया का नाम तो इस खाते में आया नहीं, वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है इस हवाले से। हम मुसलमान जो हैं जो इनके ईमान कमज़ोर होते हैं, जो बिल्कुल इस गवर्नमेंट ने इस लाहत पे पहुँचा दिए हैं कि इस गवर्नमेंट का सारा कसूर है इनको यहाँ तक पहुँचाना, ये इनके बस की बात नहीं थी। मुसलमान बड़ी अना वाला नाम है, मुसलमान जो अपने आप को कहलाता है। क्या हम हिंदुस्तान का आज के टाइम के अंदर मुकाबला कर सकते हैं? नहीं, हिंदुस्तान का कैसे कर सकते हैं, 40 साल से हमारे हुक्मरानों ने हमें लूट के खा गए, हम मुकाबला क्या करेंगे, हम तो गुलाम बना दिए हैं। जो ज़हनी तौर पे लोग गुलाम हो जाएं, जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हों, जो एक टाइम की रोटी को तरसता हो, वो इंडिया का क्या मुकाबला करेगा, किस तरह करेगा बताएं? ये सारे हुक्मरानों ने जो इवन फ्लैट बनाए हैं लंदन में, जो पैसे इकट्ठे किए हैं, जो ये सारे मिनिस्टर लूट मार करते रहे, ये 16 महीनों में लूट मार की है, ये कहाँ गई है? जितने पैसे आए हैं, जितनी इन्होंने IMF से कर्जा लिया है, आज के साल पहले एक घर का 1200 बिल होता था, आज उसी घर का उसी यूनिट पे 26,000 रुपया बिल है, तो क्या करेंगे हम, मुकाबला करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हमारे बस की बात नहीं। ये हुक्मरान लुटेरे डकैत जब तक ये नहीं ठीक होंगे, हमारा जज्बा कहाँ चला गया? हम तो कहते हैं कि हम में बड़ा जज्बा, तो हम उनका मुकाबला करेंगे हर हाल में। जज्बा क्या करेगा, जब भूख से मर जाएंगे तो जज्बा क्या करेगा? ये हुक्मरानों का जज्बा होता है, कायद का जज्बा होता है, लीडर होता है कोई जो कन्विंस करता है। जब यही लुटेरे डकैत हैं, इनमें खामियां हैं, ये चोर हैं, तो हम क्या मुकाबला करेंगे, हमारे में क्या सकत रहेगी मुकाबला करने की?
जब इन्होंने इनकी बस की बात नहीं, ये चोर हैं, लुटेरे हैं, डकैत हैं, यही हैं, तो हम क्या करेंगे। मैं स्टूडेंट की तरफ चलूँगा, भाईजान थोड़ा आगे आ जाओ यार। जब हम देखते थे कि आपने हमेशा से किताबों में पढ़ा होगा कि हम हर एक कंट्री से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, दूसरी कंट्री, फॉर एग्जांपल इंडिया की मिसाल ले लो, कि हम हर चीज़ में पहले सुनते थे, पहले कहीं ना कहीं लोग हमारा और इंडिया का एक साथ कंपैरिजन करते थे, तब होता था। लेकिन आज की अगर हम कुछ टाइम देखें तो कोई 4-5 साल हो गए, 10 सालों का लगा लें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आगे चला गया हुआ है। आप उनकी डेवलपमेंट के इंतहा देखें कि सऊदी अरेबिया जितना अपना ऑयल एक्सपोर्ट करके कमाता है, हिंदुस्तान अपने आईटी एक्सपोर्ट करके एक साल के अंदर कमाता है। इसी बात है, जहाँ से हमने उनसे यानी कि बैरल पेट्रोल के लेने हैं, वहाँ जा के लेने हैं। अब मैं जो इंडिया, उनकी तो सोच ये है कि हम आने वाले यानी कि कम से कम ना ये जो यानी कि 10 से 15 साल है ना, आने वाले इन सालों के अंदर हमें पेट्रोल यानी कि किसी से यानी कि ना लेना पड़े। उनका उनका तो ये माइंड इस टाइम चल रहा है कि भाई हमारी जो टोटली यानी कि जो हमारे वो गाड़ियाँ ना वो इलेक्ट्रिक यानी कि उसके ऊपर होनी चाहिए ना, इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर होनी चाहिए। लेकिन हमारे तो यहाँ पर अभी तो समझ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चल रही है उनके, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चल रही हैं सारी, और उनके रिक्शे वाले भी, इवन के रिक्शा भी उन्होंने पेट्रोल पर अपनी जो उनका अनुसार था ख़त्म करके अब इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट हो गए। क्या हमें कितना टाइम लगेगा कि अपने आप को रिनोवेट करने के लिए, अपने आप को दुनिया के नक्शे पर लाने के लिए दोबारा से, कि हम एक भी उभरी हुई कंट्री है। अब आप देखें कि भुट्टो साहब ने कहा था कि हम अपना घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, बना लिया, तो वो उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि हम घास खा लेंगे लेकिन दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्क बनेंगे। देखिए, वो कहते हैं ना कि जब तक भुट्टो जिंदा है ना तब तक तो कुछ भी नहीं होगा, ये भुट्टो मरेगा तो कुछ ना कुछ होगा, ठीक है ना। हमारे तो भी नारे यही ना, भुट्टो जिंदा है, इमरान खान जिंदा है, नवाज शरीफ जिंदा है, हमारे तो बस अभी यही नारे लग रहे हैं कि वो जिंदा है तो हमारा काम चल रहे हैं भाई। जब तक हम इन चीज़ों से पीछे नहीं आएंगे, हम खुद स्ट्रगल नहीं करेंगे, तो देन यानी कि मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं हो सकता है। पाकिस्तान के तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा नौजवान मुल्क को छोड़कर जा चुके हैं, इससे भी ज़्यादा हैं, और मैं कहता हूँ उन्होंने अच्छा किया। क्यों ने अच्छा किया? कैसे अच्छा किया? जब सारे चले जाएंगे तो मुल्क को कौन देखेगा? तो अच्छी बात है ना, जब हमारे यहाँ से लोग यानी कि जिनको जिनकी एक यानी कि नीड्स पूरी नहीं हो रही है, जारी सी बात, अगर इनसे नीड्स नहीं पूरी हो रही तो मैं तो आपके पास आऊँगा यार, आपके आपके पास जॉब अच्छी है तो मैं तो आपके पास आऊँगा ना, ठीक है ना। अब उनके पास अपॉर्चुनिटी अच्छी है, आप ये देखें अगर वहाँ के, अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई अमेरिका का है, उसका डॉलर इस टाइम 287 है, ठीक है, अगर कोई 1000 यानी कि डॉलर कमा रहा है तो यहाँ पर तो सीधा सीधा बन गया ना, समझ लगे तकरीबन कोई 300 इतना बन गया ना, उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ एक ही कहूँगा, जो अपनी नौजवान नस्ल है ना उससे सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि भाई जो है ना ये जॉब्स वगैरह की बजाय ना आप आ जाएँ दूसरी, क्या नाम है उसका, वो क्या उसको कहते हैं, वो है ना क्रिप्टो करेंसी की तरफ आ जाएँ, उस साइड पर ना समझ लेके बहुत फ़ायदा है। अगर उस साइड पर हमारी नौजवान नस्ल आ जाएगी तो यकीन माने को हुकूमत से कोई हमें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी जब एक चीज़ आएगी वो आएगी यानी कि डॉलरों में आएगी, तो हमें पैसों से कोई फ़र्क ही नहीं है, बस ये चीज़ है। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टॉक विद यू, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? मुनीर हुसैन। क्या करते हैं? मैं हिकमत का काम करता हूँ। अच्छा सर, आज का मेरा जो सवाल है जिस पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सर सऊदी अरेबिया के अंदर पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं विजिट वीज़ा के लिए, वहाँ पर उमरा करने के लिए जाते हैं, और यहाँ से लोग ईरान भी जाते हैं, और यहाँ से जो हमारे पाकिस्तानी हैं वहाँ पर विजिट वीज़े पर जाकर भीख मांगने शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही। और जेब कतरे हैं तो सबको जेल में बंद कर दिया गया। इस टाइम सऊदीया की और ईरान की जेलें भरी हुई हैं। सही। 100% लोगों में से 90% पाकिस्तानी हैं, वो कह रहे हैं। हाँ जी। हमारे ये हालात हैं, हम दुनिया में जाकर अपने आप को बदनाम कर रहे हैं, क्या इन सब सिचुएशन के अंदर, इन सब हालात के अंदर हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं? हिंदुस्तान का क्या, हम अपने मुल्क का मुकाबला कैसे, हमारे मुल्क की ये बदनामी है, इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जो पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। अगर सियारत पर जाते हैं सियारत करें वापस आ जाए, रात जाते हो उम्रे पर जाते हो उम्रा करो वापस आ जाओ, भीख मांगना बहुत बुरी बात है, ये पाकिस्तान की बदनामी है, पाकिस्तान को बदनाम करने वाले लोग हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए, ये ऐसे लोग हैं मांगने वाले, इनकी इधर कोठनी है, इन्होंने कोठियाँ पाई बंगले बनाए हुए अपने, और ये फिर भी मांगते हैं, ये शिकारा साइड पे चले जाए आप, जितने लोग मांगने वाले इनके कोठियाँ हैं बंगले हैं ये सब भी उन्होंने पाकिस्तान को बदनाम किया हुआ है, इनको सजा मिलनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे कि जब हम तो कहते हैं कि मुहज़्ज़ब कौम है, हम तो दुनिया को आंखें दिखाने वाली कौम थी एक टाइम में, ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि हम तो भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं,
एक हमारे वजीर आजम जो कटोरा लेकर कशकोल लेकर जा रहे होते हैं अदर मुल्कों में, वहाँ पर भीख मांगते, अवाम देखो दूसरे मुल्कों में जाकर हम भीख मांग रहे हैं। देखे बात ये है कि हमारे मुल्क में भीख क्यों मांगते हैं, हमारा ईमान कमज़ोर हो चुका है। जब मस्जिदें पक्की थी, कच्ची थी, ईमान हमारे पक्के थे, मस्जिदें पक्की हो गई, ईमान कमज़ोर हो गए, इसी वजह से ये लोग भीख मांगते हैं। ये बहुत बुरी बात है, हम मीडिया का क्या मुकाबला करें। सबसे पहली बात है फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मेरा भाई झूठ और सूद ये दो चीज़ें छोड़ दें। हम सूद भी खाते हैं और झूठ भी बोलते हैं, और हमारी कौम तरक्की कैसे करेगी? हिंदू यहूदी लोग हैं, यहूदी से यहूदी सूद नहीं लेता, हम मुसलमान हो गए दूसरे से सूद ले रहे हैं, तबाह तो हो रहे हैं। फिर इसी वजह से हम तबाह हो रहे हैं, सवाल आ रहे हैं, सलाब आ रहे हैं, अल्लाह ताला के अजाब नाज़िल हो रहे हैं, इस कौम को समझ नहीं आ रही है। अफसोस है हमारा मुल्क पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह के कलमे से बने, लेकिन पाकिस्तान को समझने वाला कोई नहीं आया। क्या दिया उसके बाद अगर कोई आया भट्टू आया उसको नहीं रहने दिया, ये कोई अच्छा लीडर आता उसके टांगे खींच लेते हैं, तो मुल्क का तो बेड़ा घर कौन है? आज हिंदुस्तान को उसका लीडर देखे कहाँ ले गया, दुनिया आज हिंदुस्तान की मिसालें दे रही है। आज कोई मुल्क उनके साथ रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहता, दूसरी तरफ हम में कोई हमसे रिश्ता ही नहीं रखना चाहता। आज उन्हें हम यहाँ पर अच्छा नहीं समझते, हम उन्हें अच्छा नहीं कहते, वो कहते हम कहते हैं कि हिंदू हैं, वो हिंदू दुनिया को लीड कर रहे हैं, दुनिया को उन्होंने आगे लगाया हुआ। आप मुझे बताएं क्या क्या वजूहत है कि हम पीछे रह गए वो आगे निकल गए? मैंने एक ही बात की, हमारे ईमान कमज़ोर हो गए हैं। जब तक अपने ईमान को कायम नहीं करेंगे हम तरक्की नहीं कर सकते हैं। हम सूद खाते हैं, झूठ बोलते हैं, माँ बहन की इज्जत नहीं करते हैं। अगर बच्चियाँ स्कूल जाती हैं उनकी इज्जत महफूज नहीं, बच्चे स्कूल जाते वो महफूज नहीं, तो हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा? अफसोस से कहना पड़ता है इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा हुक्मरान है जो इस मुल्क की आवाम को संवारे। हमारे चपरासी से लेकर ऊपर तक सब रिश्वतखोर हैं, किसी अफसर को मिलना कहते नहीं हैं, 50 रुपये चाय के लिए दे दो तो कहते अंदर बैठा चले जाए। ये हमारे मुल्क का हाल है, तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? ये बिजली चोरों को देख ले आपके सामने हैं, ये हम उन्होंने अपना गोदाम भरे हुए हैं डॉलरों से, गरीब आदमी रोटी को तरस रहा है, गरीब आदमी को रोटी नसीब नहीं है। ये गरीब का ना सोचना चाहिए, जो भी हुक्मरान आता है गरीब का सोचे, ये सरमाएदार का सोचते हैं। इमरान खान है उसने भी गरीब का नहीं सोचा, अमीर का सोचा, जो भी है। आपको नहीं लगता कि एक टाइम था जब हमने हिंदुस्तान से आज़ादी ली, इस वजह से ली कि हमें अपने मजाहब के, हमें अपने इस्लाम को खुले तरीके से हम उन्हें उसे फॉलो कर सकें और हिंदुस्तान से ज़्यादा तरक्की भी करेंगे। लेकिन आज देखते हैं कि 75 साल 76 साल गुजर गए, हमें वो सब कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही। एक तरफ वो हैं जो तरक्की कर गए, दूसरी तरफ हम हैं जो कि आज का पता नहीं है, कल का पता नहीं कि रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और हमारे ये हालात कर दिए गए। क्या हमारे हुक्मरानों से जमहूरियत नहीं संभाली गई? क्या हमारे हुक्मरानों को मुल्क नहीं चलाना आया, या हमें ही नहीं पता कि मुल्क भी चलता किसी तरीके से? देखें, अगर ईमानदारी से अगर गरीब आदमी भी है ना, उसको भी चाहिए टैक्स देना। हमारा मुल्क है पाकिस्तान, हमें इसको संभालना चाहिए। अगर गरीब आदमी के ऊपर, किसी के ऊपर भी 10, 20, 50, 100, 200 टैक्स लगाते हैं महीने का, हमें देना चाहिए। और ये रिश्वतखोरी बंद हो जाए तो मुल्क हेठो पैर तरक्की करेगा। पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जिसके अंदर तमाम मदनियात पाई जाती हैं, लेकिन अफसोस कि हम लोग कर्जे के नीचे आए हुए हैं। हम तेल नहीं निकाल सकते, दूसरे मुल्क हमारा तेल निकाल रहे हैं, हम सोना तांबा चांदी नहीं निकाल सकते, मदनियात बहुत हैं, लेकिन अफसोस पाकिस्तान को खाने वाले आते हैं, बनाने वाला नहीं किया जाता है। अगर लियाकत अली खान को गोली मार दी, पहला वजीर आजम वो ईमानदार, भट्टो को फांसी लगा दी, बेनजीर को गोली मार दी, नवाज शरीफ को 3 दफ़ा बाहर निकाल दिया, ये कैद आजम को कैसा मारा इन्होंने? अफसोस होता है, आप तारीख पढ़ें, कैद आजम को रोल के मार दिया इन्होंने 2 घंटे से।